किसी भी बोरिंग से बोरिंग काम को बच्चों की तरह खेल समझ करके करते जा रहे हो। आसान है आसान है, अरे करो यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो मजा आना चाहिए कुछ भी आप कर रहे हो, तब आप सक्सेसफुल हो गए। मजा आना बंद हो गया, रस आना बंद हो गया, मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर तो रहा हूँ लेकिन ठीक है बस पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, देन यू विल बी अ मशीन डाउन द लाइन। वो बच्चा मर ही जाएगा, वो जागेगा ही नहीं। तो जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि एक साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे, कैसे करोगे पता नहीं। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा, 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा कि उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा, ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा, ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को, कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज पागलपन का मतलब ना लोग ये समझ रहे हैं कि पागलों जैसी हरकतें करो, सड़क पर जाकर के डांस करो और लोग बोलने लग जाएंगे पागल हो गए तो आप सही ट्रैक पे हो, दैट डज नॉट मीन पागलपन। मैंने उस तरह इशारा नहीं किया था पागलपन पे। सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे ही पागल हो, अरे तो मैं भी बोलूंगा पागल हो, राइट, क्योंकि आपको फेथ है नहीं, अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं और एक्शन पहले ले रहे हो। सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया मतलब अपनी गंदगी को साफ किया, जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में बॉडी में उसको खाली किया, लैंड फर्टाइल हुई, फिर बीज को बोया। उससे भी पहले बीज डिसाइड किया कि बीज कौन सा बोना है, अंदर की आवाज सुनी फिर जाकर के उस बीज को बोया। लोग क्या करते हैं, अंदर की आवाज सुनी नहीं, एकदम से स्किप कर दिया, अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, किसका करता है, सब छोड़ दो पढ़ाई, सब पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गए, तो आप सच में पागल हो गए, क्या करोगे, राइट। सो पागल हो गए उस लेवल पे जा करके, जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो, जानने नहीं शौकिया नहीं मानने लग गए हो, जो और लोग नहीं मान पा रहे लेकिन आप मानते हो कि वो चीज होगी, तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हो, तब आप सही ट्रैक पे। सो द आइडिया इज यू नीड टू बिलीव इन समथिंग सो स्ट्रांगली दैट हैज टू बी अनशेकेबल। एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी, अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है आपने पढ़ाई छोड़ दी, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो यहाँ पर आकर के मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ, भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू तो गया, ना तुझे नौकरी मिलने की, ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के, जो सच है, ठीक है, ना अब तू कुछ कर सकता, तू क्या करेगा, तू तो सड़क पर धक्के खाएगा भाई, भीख मांगेगा, और वो डर के बैठ जाए, अरे यार मैं तो गया यार, तो समझ जाओ वो सच में पागल है, राइट, वो पागलपन नहीं है, वो सच में पागलपन है। असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके यहाँ पे डरा रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग बैठ करके उसको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया भाई, तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो हंस रहा है बैठा बैठा, वो कह रहा है अच्छा आनंद उठे बात करेंगे आनंद। दैट इज कॉल्ड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड फेथ, अनशेकेबल फेथ, उसको पागलपन बोलते हैं जो सच है। बट पागलपन ऐसा जो खोखला है सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया, उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्या सेंस है, क्या सेंस है। अपने फेथ को पकड़ो, अपने बिलीफ को पकड़ो, देन डू समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बट यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी, वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए, तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंस के बोलो, अरे तू बर्बाद है छोड़ना, तुझे नहीं पता, मैं क्या करने वाला।